खाइए, हमें याद दिलाएं तभी खाते हैं आप। पापा पेपर देना। आज ऑफिस नहीं जाओगे दिवाकर? जाऊंगा पापा, थोड़ा लेट। पापा आए, सम्राट कंचन पानी लेके आओ। इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? अरे जल्दी वल्दी छोड़िए, क्या हुआ? पहले खुशखबरी सुनिए। का आ रही है मैडम जी वापस। का कौन मैडम जी? अरे क्या 20-20 मैडम जी है, एक ही तो मैडम जी है, उर्मी मैडम जी, और कौन आ रही है? आया तो उनके पापा का फोन, निकल गई घर से आने के लिए। क्या आखिरकार वो वापस आ रही है? उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बोल रही थी कि इस घर में वापस वो कभी नहीं आएगी, और ना जाने कहाँ कहाँ बोल रही थी। वही तो। भाभी जी, जंगल का सिर्फ एक ही राजा होता है, सिर्फ उसी की चलती है वहां पर, बाकी सब आवाजें निकालते रहते, इसलिए वो भी कुछ चैम करके करके गई थी। लेकिन सम्राट सिंह राठौड़ के रहते हुए आज तक किसी दूसरे की चली है जो अब चलेगी, चाहे कुछ जितना भी चैम कर ले। सही कह रहे हो बेटा। हाँ बेटा, लेकिन अभी कहाँ आ रही है? हमने तो तुम्हारी दूसरी शादी का मन बना लिया था, वो शर्मा जी की मौड़ी के साथ। यार आप अलग ही लोड ले रही होती, चक्कर क्या आपका? शर्मा वर्मा की बेटी के आने से मुझे इतना चैन नहीं मिलेगा जितना उर्मी के आने से मिलेगा, समझिए आप। मुझे ठुकरा के गई थी वो, मुझ पे थूक के गई थी, अब आएगी तभी तो अपना थूका हुआ चाटेगी। जी सही कह रहे हो तुम बेटा, और शर्मा जी का कहा है, हम कोई बहाना लगा देंगे। माँ ना बिल्कुल थाली का बैंगन है। ए, आप मत हंसिए, बड़ी हंसी उड़ा रहे ना, आपको भी कितना सुना के गई थी वो, अब वापस आ रही है महारानी जी, उसके मायके वालों ने भिजवा दिया होगा। गई तो ऐसे थी जैसे उसके मायके वाले सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा लेंगे, पर उन्होंने भी थू-थू करके भगा दिया। हो गया? हाँ? वजह जो भी हो शशि, वो आ रही है, यही अच्छा है। और बात, कान खोल के सुन लीजिए सबके सब। हाँ। वो आए तो ये दिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत खुश हैं, उसकी वेट कर रहे हैं, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। उर्मी आ गई, उर्मी आ गई, नो नो फालतू का वेलकम, ओके? और स्पेशली पापा आप। हाँ। खबरदार जो आपने अपना प्यार दिखाया और फालतू का लाड उठाया अपनी बहू पे, तो समझाइए भाई। हाँ बेटा एकदम सही कह रहे हो, समझ लिया है? ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आते ही सर पे चढ़ जाएंगी। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? चुप करो, सही कह रहे हैं हम, उसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आते ही मनमानी करने लगेगी, और कुछ नहीं। हाँ, और अब इस घर में आएगी। हाँ। तो गिड़गिड़ाना पड़ेगा मैडम को। हाँ। हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, माफी मांगनी पड़ेगी आप सबसे 1-to-1, और ये वादा करना पड़ेगा कि आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी, तब जाके मैं उसे परमिशन दूंगा इस घर में एंट्री की। हाँ, माफी तो उसे मांगनी होगी। आने दीजिए भाभी, एक बार उसे घर में आने दीजिए, फिर देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। जितने नाटक किए ना उसने, उन सब की एक एक करके गिन गिन के सजा दूंगा मैं उसे। मेरे सामने घर छोड़ के जाने की हिमाकत की उसने। अपनी गलतियों के लिए माफी मांग मांग के नाक खिंच जाएगी उसकी, पूरी की पूरी औरत बन जाएगी वो, खूंटे में बंधी हुई गाय की तरह। सब लोगों ने दीदी को इतना परेशान कर दिया था, उन पे इतना प्रेशर डाला कि आखिर में उन्हें इस घर को छोड़कर जाना पड़ा उस आदमी के पास। पता नहीं वो आदमी दीदी के साथ कैसा सलूक करेगा वहाँ पर, न जाने क्या क्या करेगा। चुप कर मोड़ी, ज्यादा बवाल मत कर। हमने उर्मी को काला पानी नहीं भेज दिया है, जहाँ उसकी शादी हुई है वहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी, वही उसका घर है और वही रहेगी वो। कोई अनु, अब एक ना एक दिन उर्मी दीदी को जाना ही था ना सम्राट जी के पास। मन ही मन में वो कितना याद करती थी उन्हें, तुम्हें पता है, पर शर्म के मारे बोल नहीं पाती थी, हमेशा गुमसुम रहती थी। हम देखे थे, तुम नहीं देखी का? क्यों अम्मा, सही कह रहे ना हम? हाँ 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 बेटा अनु, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, और जिस हिसाब से बदनामी हो रही थी उस हिसाब से तो तुम्हारी शादी में भी दिक्कत हो जाती। ना होती हमारी शादी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ऐसी शादी से तो अच्छा है कि हम जिंदगी भर कुंवारी रहे। अनु ज्यादा बौराओ मत, अपनी जबान पे कंट्रोल करना सीखो। बड़ी हो गई हो तुम, अब लाज लिहाज सीखो कुछ। और ये सब तुम किसको सुना रही हो? हम उर्मी के बाप हैं, उसके अच्छे बुरे की चिंता है हमें, दुश्मन नहीं है उर्मी के हम। और हाँ, तुमसे ज्यादा परवाह है हमें हमारी बेटी की। परवाह लगता तो नहीं है पापा, क्योंकि आपने दीदी को एक ऐसी जगह पर भेजा है ना, पर उनके पति नहीं जानवर रहते हैं, जानवर। अब वो चाहे दीदी के साथ कुछ भी करे, ने मारे पीटे कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन आपको उससे क्यों फर्क पड़ेगा? आपको अपनी बेटी की नहीं, पूरे समाज की चिंता है, पूरी बिरादरी की चिंता है। आप बस बेटी को बोझ समझते, एक बार शादी करके निपटा दिया तो चाहे वो जिए मरे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। उसका पति चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आप उसे परमेश्वरी मानेंगे और अपनी बेटी को भी मजबूर करेंगे कि वो उसे परमेश्वरी माने। अनु, अनु, मर्दों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, औरतों को सहना पड़ता है, उन्हें माफ कर देना पड़ता है, तभी परिवार परिवार बना रहता है। अगर सब अपने अपने मन की करके घर छोड़ के चले जाएंगे तो परिवार कहाँ बचेगा? इसीलिए औरत माफ करके अपने घर बाल बच्चों को लेकर सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ती है जिंदगी में। जैसे धरती सारा बोझ उठाती है, उसी तरह औरत को सहना पड़ता है, तभी तो सब उसे औरत कहते। बस दादी, आप लोगों की इसी सीख और सोच का नतीजा है कि कोई भी मर्द कुछ भी गलत काम करने से ना कभी डरता नहीं है, क्योंकि उसे तो पता है कि उसकी बीवी आज नहीं तो कल उसे माफ कर ही देगी, फिर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दादी, आप एक औरत हो और आप ये सारी बातें क्यों नहीं समझ सकती? यही समझ में हमारे नहीं आता, बताओ। हम समझाते हैं बेटा, जहां माएं अपने बेटों की गलतियों पर पर्दा डालने के लाने अपनी बहुओं को दबाती है, बेटों के पक्ष में बहुओं से समझौते कर पाती है, और यही से मर्द अपने मन का होता जाता है, फिर वही होता है बेटा जो वो चाहते हैं। उसके बाद मर्द बार बार गलतियां करता जाता है और हर बार उसे माफी मिलती रहती है। और फिर बेटा ये शिक्षा उसके घर के बच्चों को भी दी जाती है, बेटा बाप की तरह बनता जाता है और बेटियां माफ पर जाती है। सहनशील, अत्याचार सहने वाली, समझौते पे समझौता करने वाली, जब तक घरों में बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलती रहेगी, लड़के लड़कियों के दिमाग में ऐसी बातें भरती रहेंगी, तब तक इस देश के मर्द ऐसे ही औरतों पर अत्याचार करते रहेंगे, क्योंकि वो लड़के लड़कियों को एक समान नहीं समझते ना बेटा। अरे समधन जी, आप तो पूरा प्रवचन ही दे डाली। अब आप बताओ कि समाज को हम और आप तो नहीं बदल सकते हैं? अब उर्मी बिटिया ने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही फैसला लिए वो। हाँ, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा, जाने कहाँ तय करके कहाँ सोच के चली गई वो। कौन चली गई? दीदी वापस चली गई उसी नरक में। क्या? लेकिन क्यों? अरे उस शैतान के पास वापस क्यों चली गई उर्मी? काहे चली गई का मतलब गौरव? अपने घर लौट गई, जाना तो था ही ना, अब का जिंदगी भर यहीं रहेगी, अपनी उम्र गुजारेगी यहाँ। आप लोग हमें एक बात बताइए कि उर्मी यहाँ से गई क्यों? अरे हम उर्मी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमें बिना बताए यहाँ से नहीं जा सकती, जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी। कोई बात बात नहीं हुई है यार, बात क्या होगी? उसने फैसला लिया, उसे अच्छा लगा, चली गई अपने ससुराल। तुम बताने वाली क्या बात है भाई? माँ, उर्मी क्यों चली गई? जो भी है सच सच बताइए प्लीज।
हैरान काहे हो रहे हो गौरव? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। पर दादी जाने से पहले एक बार भी बात तक नहीं की उसने। अरे बात बात होती रहेगी गौरव, पहले उसे जाके वहां एडजस्ट होने दो। और एक बात कान खोल के सब लोग सुन लो, तुम लोगों ने अपनी मनमानी बहुत कर ली, और खबरदार जो किसी ने उसे वहां परेशान किया, हमसे बुरा कोई ना होगा जान लेना तुम लोग। हाँ मंदिरा, आराम से बेटा, क्या हुआ? मम्मा तो कब वापस आएंगे शौर्य और चाची? कितना टाइम हो गया, हम कब से वेट कर रहे हैं। आएगी बेटा, तुम जाओ अपना होमवर्क करो, चलो जाओ जल्दी। ठीक है, संभाल के बेटा। वैसे ये बात भी सही है देवर जी, उर्मी आ रही है कि नहीं, कि उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया आपसे? अरे ऐसे कैसे बोल देंगे, ऐसे ही जानते नहीं कि कौन हूं मैं। सच कहे ना तो हमें तो नहीं लग रहा है कि उर्मी आने वाली है। हाँ। ए, जब बोलेंगी बुराई बोलेंगी ना, मतलब पैदा ही होती नीम चबा के। क्यों लगता आपको, क्यों नहीं आई हूँ? हमको लगता है कि क्या लगा, लगा लगा बहुत लगता आपको, बोला ना मैंने आएगी वो। उसके बाप ने खुद फोन किया है मुझे, और इतना मुझे पता उसका बाप मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। ए बेटा, आना होता तो अभी तक आ नहीं जाती वो है? इतनी देर में तो गायकवाड़ नगर से 6 बार आदमी आके वापस लौट जाए, अब वो कहा लेट कर आ रही है, है? जैसे शिव मंदिर में जाया जाता। सम्राट, तुम्हारी उर्मी के पापा से बात हुई थी ना? अरे हाँ यार, बोला ना मैंने, कितनी बार बोलूं भाई। अरे आ रही होंगी घूमते घूमते, मैं जानता हूँ ना, अभी थोड़ी आदत पड़ गई होगी ना घूमने की, बेलगाम जो रही है इतने दिन। एक बार आने दीजिए, फिर देखिए कैसे लगाम कसता हूँ मैं मैडम की। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, टुकड़ों में मिलेगी सांस, टुकड़ों में। वैसे इतना टाइम तो नहीं लगता ना वहाँ से आने में, ना हो तो एक बार उर्मी को फोन कर देख लो। मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा, मैं फोन करूंगा। और क्या समझाया मैंने अभी आप सबको, क्या थोड़ी देर पहले कुछ समझाया था मैंने आप, क्या कि उसे ये कतई एहसास नहीं होना चाहिए कि आप लोग उसका वेट कर रहे हैं। सही है बेटा, ठीक है। हाँ हाँ कुछ नहीं, बैठिए चुपचाप पीछे, ज्यादा उछली मत आ जाएगी वो। हाँ। उसे फोन नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाप को तो फोन लगा ही सकता हूँ। अभी कहाँ पहुंची है पापा उर्मी? हाँ अभी तक आई नहीं यहाँ पर। कहा अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन यहां से निकले तो 3-4 घंटा हो गया उसको। 3-4 घंटे हो गए, ऐसा कैसे हो सकता कि अब तक नहीं पहुंची वो? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं 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 बेटा, मेरा मतलब ये है कि अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, पास ही बोल रहा हूँ क्या? और एक चक्कर क्या, माजरा क्या, कहाँ है का वो? बेटा आप परेशान मत हो, और आप फोन रखो, हम पता करते हैं उसको फोन करके। हाँ उर्मी अभी तक नहीं पहुंची? नहीं। मैं तो चिंता हो ही रही थी, मैं ये नहीं समझ आ रहा है कि वो यहां से जब निकल चुके तो वहां अब तक क्यों नहीं पहुंची। इस सम्राट का नया कोई खेल तो नहीं है? अरे यार पहले तुम शांत हो जाओ, जरा जरा सी बात पे तैश में आ जाते हो, हम पता लगा रहे हैं ना। हे पापा, जहां पर भी हमारी बच्ची हो उसे सही सलामत रखना। द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अरे क्या हुआ पापा, हमारा फोन ही नहीं उठाया? फोन नहीं उठा रही है? अरे क्यों जी, अपने बाप से पूछो जिन्होंने इतना बुरा सलूक किया है उसके साथ। अरे काहे उठाएगी उनका फोन वो? कोई दूसरा बाप होता ना तो अपनी बच्ची की तकलीफ जानने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करता, लेकिन जे इनको देखकर तो समझ में ही नहीं आता कि उर्मी इनसे जन्मी भी है कि नहीं।
अरे बेटियां बेचने वाले भी इतने कठोर नहीं बन जाते जितना आप बने हमारी उर्मी के लाने। हमारा दिमाग मत खराब करो सरोज, तुम अब कुछ भी मत बोलो। तुम हमने जो कुछ भी किया है उसकी भलाई सोच करके किया है। कौन सी भलाई? सब लोग दीदी के पीछे पड़ गए थे, पूरा घर हाथ धोकर एक साथ। कोई अच्छा भला कुछ नहीं देखा दीदी के लिए। बस किसी भी तरह उनको घर से बाहर निकालना था और वो सब ने मिलकर कर दिया। आप लोगों ने ना उस बिचारी को बहुत ज्यादा तंग किया है, दुश्मनों के जैसा व्यवहार किया उसके साथ। देखो तो कैसे बढ़ चढ़ के बोल रहा है, जैसे सारा कसूर हमारा हो। अपनी बीवी को कुछ नहीं कहोगे जिसने इतना नाटक किया, इतना तमाशा किया कि हमें बीच में बोलना पड़ा उर्मी को। अरे दादी आप हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, सारा का सारा इल्जाम हमारे ऊपर। अरे उर्मी दीदी के यहाँ रहने से हमें का परेशानी होनी थी। हाँ वो तो हमारी अम्मा ने कहा हमें कि हमें उर्मी दीदी और सम्राट जी का घर बचाना चाहिए, इसीलिए हमने इतना बुरा बर्ताव किया उर्मी दीदी के साथ। पता है हमें कितना बुरा लग रहा था ये सब करने में। अरे हाँ, हमने इससे जी कहा था कि उर्मी बिटिया अपने घर चली जाए तो उसका घर बच जाएगा। अब मायके में बिटिया नाराज होके कितने दिन रह सकी है, और अपना घर जब भरा पूरा हो तो मायके में बिटिया अच्छी नहीं लगती है। बस बस मैं इतना जानता हूँ कि आप सब लोगों ने उसे बहुत तंग किया है, इतना ही जानता हूँ मैं बस। माँ हम उर्मी को देख के आते। बेटा जल्दी जाओ, हमको बहुत चिंता हो रही है। भैया हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं तुम यहीं रुको। और अब आप कान खोल कर सुन लीजिए, अगर हमारी बेटी को कुछ भी हुआ, अगर उसका एक भी बाल बाका हुआ, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देते हैं। क्या हुआ? पापा कह रहे हैं वो फोन नहीं उठा रही हो। क्या? अरे कहा ना, कह रहे हैं कि पहले तो फोन नहीं उठा रही थी, फोन भी बंद आ रहा है उसका। लेकिन भाभी ऐसा क्यों करेंगी? भगवान करे सब ठीक हो। तुम ही एक बार फोन लगाकर देखो बेटा। बिल्कुल नहीं भाई। हाँ हाँ कहीं मर मर आ गई हो बेटा, तुम फोन करो, बेकार में फंस जाओ तो। यार चुप कर, ये खुद भी बोल जा रही है। अब अरे चुप करो शशि, कुछ भी बोल देती हो। अरे माँ जी शुभ शुभ बोलिए ना। अब नहीं मरने वालों में से क्या हो? हाँ जानते नहीं कि अपनी बहू को अभी तक पहचाने नहीं उसे। हाँ जानते हैं हम उसे, और मरना मरे बेशक मरे, वो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बस शौर्य को कुछ नहीं होना चाहिए। उस पर कोई आँच आ गई ना फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं मरी उर्मी को फिर से जगा कर मारूंगा। सम्राट किस तरह की बातें? बिल्कुल सही कह रहा हूँ यार, परेशान हो गया मैं सौरभ से यार। मतलब इतना परेशान मुझे आज तक किसी ने नहीं किया होगा इस पूरी दुनिया में। बाइकॉट जो ये कर रही है, अब कहाँ है पता नहीं, कहाँ है वो, बाहर नहीं है, यहाँ पे आई नहीं है, कहाँ गई आखिर बीच में पता नहीं। राम सूरत, ये नीली छतरी ले जाओ और बाहर कुसुम को देकर आओ। ये लीजिए, आप पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए और साइन कर दीजिए। जी मैडम पेन। या श्योर। जी ठीक है।
ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर, इसकी एक जेरॉक्स कॉपी हमारे पास रहेगी। अब आप यहाँ रह सकती हैं। मैं अपने बंदे को बुलाती हूँ, वो आपको आपका रूम दिखा देगा। थैंक यू मैडम। राम सूरत, शौर्य इधर आई। चलिए अब हम अपने रूम में जाएंगे। तो फिर मामा हम यही रहेंगे? हाँ बेटा, अब हम यही रहेंगे। एक मिनट, बच्चा यहाँ नहीं रह सकता। बच्चा नहीं रह सकता मतलब? ये वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है, बच्चे यहाँ नहीं रह सकते।